दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ VGR V290 हेयर ट्रिमर का रिव्यू। और अगर मैं बात करूँ इस ट्रिमर की तो इससे आप बियर्ड भी काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रिम कर सकते हैं। बॉक्स कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया पैकिंग देखने को मिलती है VGR की। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बॉक्स ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें इस बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बॉक्स की बात बताऊं तो देखो बॉक्स काफी बढ़िया है, पैकिंग देखेंगे तो पैकिंग काफी बढ़िया देखने को मिलती है हमेशा की तरह। और बॉक्स के ऊपर थोड़े बहुत हमें यहाँ पर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। जैसे हम बॉक्स ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें बॉक्स के ऊपर ही देखने को मिलता है हमारा ये VGR का V290 हेयर ट्रिमर। ट्रिमर के अलावा जो हमें मिलती है भाई VGR में, जो हमेशा की तरह भाई इसकी एक चार्जिंग केबल, और सबसे बढ़िया चीज मेरे को लगी है भाई यहाँ पर आपको टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिलती है। और यही नहीं भाई, इसकी जो लेंथ है ना हमेशा की तरह देखो आप 2 मीटर लगभग इसकी लेंथ देखने को मिल जाएगी आपको, और केबल की क्वालिटी वाकई में काफी बढ़िया मिलती है VGR। इसके अलावा यहाँ पर एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं देखने को ये कुछ एक्सेसरी, जिसमें कि हमें एक क्लीनिंग ब्रश देखने को मिल जाता है और एक मिल जाती है हमें इसमें ऑयल कैन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें ट्रिमर की जो लेंथ सेटिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए 3 इसमें गाइड कॉम देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि सबसे छोटा है वो 1 mm के साइज के साथ देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पर मिलता है 2 mm के साइज के साथ, और जो तीसरा है वो मिलता है 3 mm साइज के साथ। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट लेंस सेटिंग देखने को मिल जाती है आपको। तो दोस्तों जो बॉक्स में मिलता है वो आपके सामने रखा हुआ है, इतना ही कुछ हमें इस बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इस हेयर ट्रिमर की। और भाई सबसे पहली चीज मेरे को उसमें जो देखने को मिली है ये देखो छोटा कितना भाई, इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट है। मतलब जितने मैंने अभी तक अपने इस चैनल पर रिव्यू किए हैं ट्रिमर के, यहाँ तक कि जो हेयर ट्रिमर होते हैं उनका जो साइज होता है, जो ट्रिमर होते हैं हमारे बियर्ड ट्रिमर, उनसे थोड़ा सा बड़ा होता है। बट यहाँ पर जो हमारा हेयर ट्रिमर है काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, इससे आप बियर्ड ट्रिम कर सकते हो और हेयर भी ट्रिम कर सकते हो, और काफी इजीली इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो लाइक दिस। अब क्योंकि साइज में छोटा है दोस्तों तो जो इसका वेट होगा वो भी कम ही होगा, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मात्र 119 ग्राम इसमें आपको वेट देखने को मिले। तो जो हमारा ट्रिमर है सबसे ऊपर हमें यहाँ पर एक प्रोटेक्शन कैप देखने को मिलती है जो कि आपके ब्लेड को सेफ रखती है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको ये स्टेनलेस स्टील के ब्लेड देखने को मिलते हैं, और इसी के ऊपर आपको VGR की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी। फ्रंट साइड में एक गोल्डन प्लेट देखने को मिलती है जो कि इसके जो लुक को काफी डिफरेंट बनाती है। बाकी दोस्तों बात करूं तो यहाँ पर फ्रंट साइड में VGR की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर इसे ऑन करने के लिए एक बहुत बड़ा सा बटन दिया हुआ है, जैसे प्रेस करते हैं ये ऑन हो जाता है। और यहाँ पर एक और चीज, जैसे मैं इसे दोबारा प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर टर्बो मोड लिखा हुआ आता है इसमें, तो इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो जैसे अगर आपको हेयर वगैरह ट्रिम करने हैं तो आप टर्बो पर रख सकते हो उसको, और अगर बीएड वगैरह ट्रिम करनी है तो आप इसको अपना सिंगल बटन प्रेस करके अपना यूज कर सकते हो। अब देखो जैसा एक मैं बटन दबा रहा हूं तो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं ये नॉर्मल मोड है इसका, एक बार बटन दबाया और एक बार बटन दबा दिया तो यहां पर आप देख सकते हैं टर्बो मोड लिखा हुआ रहा है। इसकी 2 स्पीड मिल जाती है इसमें इस तरीके से, तो आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हो इसकी स्पीड को। बाकी दोस्तों नीचे आप देख ही सकते हैं आपको यहाँ पर एक डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आप अपना बैटरी बैकअप वगैरह देख सकते हैं कि कितने परसेंट हमारी जो बैटरी है वो बची हुई है। बाकी दोस्तों नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है चार्ज करने के लिए इसका टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। बाकी दोस्तों अगर मैं नॉइस की बात बताऊं तो जब मैं इसको ऑन करता हूं तो यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है कि ये जो नॉइज है इसकी वो 60 dB से आपको कम देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मैंने इसको टेस्ट भी किया था तो सच में इसकी जो नॉइज थी वो डुअल स्पीड पर 60 dB या 60 dB से कम ही देखने को मिली थी। अब यहाँ पर चार्जिंग की बात बताऊं तो देखो यहाँ पर 1.5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है, और 1.5 घंटे में चार्ज होने के बाद ये आपको लगभग 2 घंटे का इसमें बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसमें 600 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। बाकी मैंने बताई दिया 3 डिफरेंट सेटिंग मिलती है, 1 mm, 2 mm और 3 mm, तो इन 3 डिफरेंट सेटिंग पर आप अपनी बियर्ड ट्रिम कर सकते हो या हेयर ट्रिम कर सकते हो। और अगर आप विदाउट कॉम इस्तेमाल करोगे तो 0.5 mm तक अपनी बियर्ड से आप ट्रिम कर सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों मैं बताऊं डिजाइन लुक्स फीचर सब कुछ अ�च्छा लगा है मेरे को इस ट्रिमर में, जो कि 750 रुपये में आपको देखने को मिलेगा। प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्राइस वगैरह चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ इस ट्रिमर की, एक चीज़ मेरे को सही नहीं लगी है, मतलब इतना माइंड नहीं करूँगा मैं उस चीज़ को, हल्का सा बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी बट बेकार नहीं कहूँगा बिल्ड क्वालिटी को। ओवरऑल भाई मैं इसको पर्सनली यूज करने वाला हूँ। चलो थोड़ी बहुत बियर्ड भी ट्रिम करके देख लेते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं इसकी मेन चीज यानी कि इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहां पर मैंने इससे अपनी बीएड को ट्रिम किया था विदाउट कॉम, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बीएड थी नहीं मेरी। और यहां पर मैंने इसकी दोनों स्पीड यूज की थी, यानी कि जो पहली स्पीड है और जो दूसरी इसकी टर्बो स्पीड है, दोनों स्पीड पर इसको मैंने अपनी बीएड पर इस्तेमाल किया था। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, इसके जो ब्लेड हैं बिल्कुल भी हीट नहीं हुए थे, और जो बीएड इसने ट्रिम की थी, जो नॉर्मली बीएड ट्रिमर ट्रिम करता है, एकदम वही क्वालिटी इसने मेरे को प्रोवाइड की थी एकदम बीएड में। तो परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया लगी है, ब्लेड तो भाई बिल्कुल भी नहीं चुभेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ओवरऑल भाई ये छोटा पैक बड़ा धमाका आप इसको कह सकते हो, और मैं भाई इसको आज से पर्सनली यूज करने वाला हूँ इस ट्रिमर को। बाकी देखो बैटरी बैकअप ड्रेनिंग की बात बताऊँ तो यहाँ पर इस जो VGR के ट्रिमर होते हैं उनमें मैंने अभी तक तो किसी ट्रिमर में बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम नहीं देखी है, तो बैटरी बैकअप में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ओवरऑल काफ़ी कमाल का ट्रिमर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गो फॉर इट।